भारतीय जनता पार्टी चार उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी। सर, चार उम्मीदवारों के नाम भाजपा घोषित कर चुकी, कांग्रेस का नाम कब? अभी जल्दी हो जाएगा। सर, कल की डिनर पार्टी की बड़ी चर्चा है कि उसमें जो नाम है हस्ताक्षर सभी ने कर दिए हैं, बिना सभी करते हैं, ये तो परंपरा है, पिछली दफा भी ऐसे किया था। आपको लेके क्या उम्मीद की जाए सर राज्यसभा के लिए? मैं तो कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं। थैंक यू सर। तो कमलनाथ जी हमारे साथ में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है, और जिस तरह से ये पूरी की पूरी तस्वीर है वो ये बताती है कि कमलनाथ ने कहा है कि फॉर्म पे तो सभी सिग्नेचर करते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। और भोपाल से अहम खबर, जहां कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी पर जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है कि अभी सस्पेंस खुला नहीं है, हम सब ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दे दी है, पार्टी जो नाम तय करेगी हम सब उसके साथ हैं। जयवर्धन सिंह जी हैं, और जिस तरह से अगर हम पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन को लेकर कल आखिरी तारीख है, और कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो है वो हुई है, उन्हीं से इस संदर्भ में हम बात करेंगे जो पूरी स्थितियां हैं कि ये सस्पेंस है या नामों को लेकर स्थिति क्लियर है। सर, कल कमलनाथ जी के यहाँ डिनर जरूर हुआ, लेकिन नाम को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है सर। जी, वो तो आप जानते हैं कि जो भी नाम तय होता है राज्यसभा के लिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व होता है वही नाम तय करता है, और जब तक अधिकृत सूचना नहीं आएगी तो उसमें कोई भी टिप्पणी करना शायद अभी चर्चा सर, वो ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर की तो स्वाभाविक है, क्योंकि सब विधायकों ने कहा है कि जो भी हाईकमान तय करेगा हम उसके निर्णय के साथ हैं। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ में थे, उनसे हमने बात किया, लेकिन हम स्पष्ट रूप से अगर बात करें इस पूरी तस्वीर की तो अभी भी सस्पेंस कांग्रेस में जो है उम्मीदवार के नाम को लेकर बरकरार है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चार नामों की घोषणा कर दी है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24/7।